अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात कर्ण का त्याग करती है और सुषेण अधिरथ कर्ण की रक्षा कर उसे घर ले आता है। ये जानकर राधा कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है। कर्ण के जन्म का रहस्य गांव वालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेत अधिरथ शंकुप्रद की ओर प्रस्थान करता है। इधर कर्ण के सूत पुत्र होते हुए एक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में उभरता देख क्षत्रिय भयभीत हो जाते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए उसके घर को आग लगा देते हैं और प्रोत्साहित करने वाले उसके ताऊ उच्चसेन का हाथ काट देते हैं। गांव छोड़कर अधिरथ अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता है। तभी उसके परिवार पर संकट आता है और कर्ण अपनी माता के प्राणों की रक्षा के लिए अपना धनुष उठाता है। कर्ण का इस प्रकार अपनी माँ के प्रति समर्पण राधा के मन को छू जाता है। अब राधा के मन में कर्ण के प्रति ममता जागने लगती है। कर्ण को अब अपनी राधा माँ का स्नेह मिल गया है और पूरा परिवार एक नई आशा के साथ हस्तिनापुर पहुँचता है। अब आगे उत्तर दो बालक, तुम हंसे क्यों? कर्ण, छोड़। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महारानी। ठहरिए। महारानी ने प्रश्न किया है, उत्तर दो बालक। मध्यम महोदय थे, वो सदा कहते थे कि मैंने युद्ध में 100 शत्रु के हाथ काटे और 100 शत्रु के पैर भी काटे। तो मेरे मित्र वास्तव के पिता ने पूछा कि तुमने शत्रु के मस्तक क्यों नहीं काटे। तो मध्यम महोदय ने क्या कहा पता है? कि वो तो आराम से ही काटे हुए थे। सम्राट धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर चेष्टा करने का साहस करते हो? बालक है, उसे हंसने का अधिकार है, किंतु इस प्रसंग का स्मरण क्यों हुआ बालक? क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन वनवासियों को पराजित कर दिया था। सत्य वचन। Ha 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 ha
कुनी गांधार की सेना लेकर हस्तिनापुर को पराजित करने ही वाला था। किंतु हमारी निद्रा ही टूट गई। फिर शकुनी ने विचार किया, सेना की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों महामंत्री विदुर? तो बालक, तुम्हारे भ्राताश्री जाग गए। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कार्य कर सकता है, उसे स्वप्न देखने की क्या आवश्यकता है? बड़े बुद्धिमान मालूम होते हो, हैं? सुनो बालक, यदि यही वाक्य कोई बुद्धिमान कहे तो उसे असत्य कहते हैं, और यदि यही वाक्य कोई मूर्ख कहे तो उसे सत्य कहते हैं। तुम कौन हो, बुद्धिमान कि मूर्ख? मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। तुमने अकेले ने वनवासियों को पराजित कर दिया? जी। अकेले पराजित? राजा के सामने असत्य बोलने का दंड जानते हो? नहीं, आप बताइए। आ गया हो बालक। तुमने हमारे सेना नायक पर आरोप लगाया है कि उसने वनवासियों को पराजित नहीं किया। यह भयंकर आरोप है।
भागे आओ। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। सम्राट, मेरा पुत्र मूर्ख, हम हसनापुर प्रथम बार आए, वो नहीं जानते किसके सामने मुंह खोला है उसने, क्षमा कर दीजिए। मौन रहो, आगे आओ बालक। यदि तुमने हंसने हंसाने हेतु असत्य बोला है तो महाराज तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, मेरे भ्राता ने उन वनवासियों को धनुष से पराजित किया था। क्या तुम्हारा भाई सत्य कह रहा है? हम कभी असत्य नहीं बोलते। हाँ मंत्री विदुर। कितने वर्ष का है ये बालक? 9-10 वर्ष का प्रतीत होता है महाराज। किंतु इसके पिता अवश्य ही क्षत्रिय नहीं है। कौन सी जात के हो सज्जन? महाराज।
सूत। महाराज, एक सूत के पुत्र ने धनुष उठाकर वनवासियों को अकेले ही पराजित कर दिया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज, है? इस बालक की परीक्षा तो करनी ही चाहिए। जी महाराज। सेनानायक मदनजय, अपना धनुष बालक को दीजिए। किंतु महामंत्री विदो, धनुष उठाओ बालक। क्षमा कीजिए, मेरी माता का आदेश है कि मैं धनुष को स्पर्श ना करूं। मेरे लिए मेरी माता के आदेश से बड़ा ईश्वर का आदेश भी नहीं। तुम्हारा समर्पण प्रशंसा के योग्य है, किंतु महाराज के आदेश के सामने तुम्हारी माता को अपने आदेश में परिवर्तन करना होगा। सज्जन, अपने पुत्र को आदेश दो कि धनुष उठाए। धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। ऐसे ही आदेश से मेरे ताऊ ने धनुष उठाया था, फिर उनका हाथ काट लिया गया था। आप मेरा हाथ काटने की इच्छा रखते हैं? विवाद मत करो, धनुष उठाओ अथवा स्वीकार करो कि तुमने असत्य बोला है। धनुष मैं उठा नहीं सकता और असत्य बोलने का दंड आप मुझे नहीं दे सकते, किंतु मैं जानता हूं दंड मुझे अवश्य प्राप्त होगा, कारण चाहे कोई भी हो। असत्य बोलने का तो दंड मिलेगा। सैनिकों, धनुष उठाओ पुत्र करण। तुम्हारी माता का आदेश।